वेलकम बच्चों। सो जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हमने उसमें क्या किया कि जो हमारे पास में खुद का टाइप है जिसमें हमने पांच टाइप बनाए थे उसमें से चार पढ़ चुके हैं हम। कौन सा? सीधे में सेम, ठीक है, तिरछे में सेम, कुछ भी सेम नहीं, और नीचे में अगर मान लीजिए कि नंबर्स आए तो फिर क्या करना, ठीक है। और एक टाइप हमारा बाकी है नीचे में वेरिएबल्स आए तो क्या करना, तो वो हम वैसे भी हम उसको देखने वाले, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि डिटर्मिनेंट देखा और डिटर्मिनेंट के जरिए बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, वो हमने देखा, ठीक है। सो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है बच्चों, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट, ये है हमारे पास में डिटर्मिनेंट। क्या होता है? वर्टिकल लाइंस में नंबर्स की अरेंजमेंट, यानी इस तरह से डिटर्मिनेंट। उसको पढ़ते कैसे, तो डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 5, 7, 2, इस तरह से पढ़ सकते हैं आप उसको। फिर उसकी वैल्यू जो निकालना है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की सब्ट्रैक्शन करना, ये हमने पढ़ा। तो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ध्यान में रखना कैसे, पहले इस तरह से करना, मतलब 3 और 2 का फिर इस तरह से जाना, यानी 7, 5 या फिर 5, 7 बोलो, उनकी सब्ट्रैक्शन। ये एक्सप्लेनेशन हमने एग्जांपल के जरिए देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर ही अगर आप देखेंगे तो टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, ये हमने देखा। क्या था वहां पे, जो हमारे पास में इक्वेशंस है आप उसको इस तरह से अरेंज कर लो। एक आधे बार क्या होता, कांस्टेंट हमको लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको राइट हैंड साइड में ले जा सकते हो, ठीक है। उसको ले जाने के बाद में इस तरह से इक्वेशन बनेगा जो फॉर्म में होगा, कौन से, AX + BY = C, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास में। अब दो इक्वेशन देंगे तो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर बोलेंगे आप क्या कि फ्रॉम 1 एंड 2 डी। अब डी यानी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट किसका, कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। तो सिंपली क्या ध्यान में रखेंगे, एक्स की वाई की, तो एक्स की वाई की मतलब एक्स का नंबर और वाई का नंबर, यानी कोएफिशिएंट उसका। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर A1, यहाँ पर B1 है, ठीक है। फिर यहाँ A2 और B2 सेकंड इक्वेशन में, उसको क्या करना हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिर dx निकालेंगे, तो dx क्या, सामने की y की, ये ध्यान में रखेंगे, यानी c1 b1, c2 b2, ठीक है। और जो dy आएगा वो क्या आएगा, x की सामने की, तो सामने की यानी सामने की जो भी होगा, जो कांस्टेंट होगा, जो नंबर होगा, जिसको हम संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो आप लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर a1 c1 a2 c2, ठीक है, क्योंकि x की यानी x वाला कोएफिशिएंट और सामने वाला यानी c1, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे में a2 और c2, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको dx और dy मिल जाएगा, हेडिंग डालेंगे आप बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल के जरिए x का फार्मूला क्या है, x = dx/d और y = हमारे पास dy/d, ठीक है, ये इस तरह से। फिर उसके बाद में हमने एक्चुअली क्या की थी, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू भी कर लिए थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर देखे थे और कुछ क्वेश्चन आपको घर में होमवर्क दिए थे, ठीक है। अब उसमें से बच्चों क्या है कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा तकलीफदायक लगा होगा शायद, ठीक है, और किसी बच्चे ने पूछ लिया, तो हम उसको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करते ताकि हमारे यहाँ पर क्रैमर रूल के जरिए जो इक्वेशन सॉल्व करने की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो देखो यहां पर हमारे पास हमें एक्सरसाइज 1.3 का 6 क्वेश्चन है, ठीक है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है वो, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा मैं मार्कर को अरेंज कर लेता हूं जरा सा पट से, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में देखो, पहली बात तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, इसको हमको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशंस ले लेंगे, ठीक है। यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं, ठीक, यहां पर हेडिंग डालता हूं मैं आंसर्स के, ठीक। और चलो, तो क्या है गिवन इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन क्या है, ये है 2x + 3y = 2। तो देखो सबसे पहले वो हमारे फॉर्म में चाहिए, यानी x हो गया, फिर by और = c, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। लिख लेने के बाद में आप इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। अब जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, x - यहाँ पर है ये y/2 = यहाँ पर है 1/2। अब अच्छा, यहाँ इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चल जाता, लेकिन हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सिंपल बना देते। तो यहाँ पर मैंने कहा था जब भी नीचे में यानी डिनोमिनेटर में नंबर आए तो उनके LCM से क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर नीचे में कौन है, सिर्फ 2 है, तो 2 से क्या करेंगे आप, क्योंकि सिंगल है तो उसका LCM वही होगा, तो 2 से आप सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो हेडिंग क्या होंगी हमारी, मल्टीप्लाइंग बाय, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, मल्टीप्लाइंग बाय 2, और थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, तो 2 से x को करेंगे तो ये बनेगा 2x - यहाँ से 2 चला जाएगा तो रहेगा y, यहाँ पर भी 2 चला जाएगा तो 1, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पहले देखो यहाँ पर क्या कहा था, पहले आप d लेंगे, dx लेंगे, dy लेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डी निकालते हैं। तो डी का मतलब क्या बताया था, वन और टू से ध्यान में रखो, ये वन और ये टू, इन दो इक्वेशन को देखकर। तो डी का मतलब था एक्स की वाई की, एक्स की वाई की, ठीक है। यानी एक्स का नंबर पहले इसमें टू है, वाई का कौन है थ्री है, दूसरे में वो एक्स का नंबर टू है और वाई का यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो समझो ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ना आप सॉल्व कर लो, क्या होगा, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सब्ट्रैक्शन। तो पहले ऐसा करेंगे और फिर ऐसा, ठीक है। सो पहले टू और माइनस वन, तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप टू इंटू माइनस वन, ठीक है, या फिर लिख के बता सकते हैं वो जो आपकी इच्छा है, ठीक है, हो गया। फिर माइनस इस तरह से, तो टू इंटू ये थ्री होगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा माइनस टू, माइनस टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर होगा माइनस एट, ठीक है, यानी डी मिल गया माइनस एट। आगे अब आपको क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स का मतलब क्या था, सामने की वाई की, सामने की वाई की। तो इसमें सामने की यानी कौन है टू, ठीक है, और वाई की यानी कौन है थ्री है। यहाँ पे सामने की यानी कौन है, ये वन है, और वाई की यानी कौन है माइनस वन, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते बट से, तो टू इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू क्या होगा थ्री, सॉल्व करेंगे तो पट से टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस ये थ्री होगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट क्या मिलेगा, माइनस फाइव, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमको डी वाई मिलेगा। तो डी वाई का मतलब क्या था, वो भी आपके पास है, कौन सा, डी वाई का मतलब एक्स की सामने की, एक्स के सामने की। तो इसमें एक्स की संख्या कौन है टू है, सामने की हमारे पास वो भी टू है, इसमें एक्स की संख्या कौन है टू है, और यहाँ पे सामने की संख्या कौन है वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा टू इंटू वन माइनस टू इंटू टू, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, टू वन ज़ा टू माइनस टू टू ज़ा फोर, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा माइनस टू, ठीक है, सॉल्व करने के बाद में हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, अब हमको क्रैमर रूल यूज़ करना है। तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्या बोलेंगे आप, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, ठीक है, और इधर में क्या था, यहाँ से आप लाइन खींच सकते हो, ठीक है, ये वाई इज इक्वल टू क्या था, डी वाई अपॉन डी। चलो इसमें वैल्यू रख दो डी एक्स, देखो डी एक्स कितना आया है माइनस फाइव, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माइनस फाइव अपॉन डी, डी देखो कितना है माइनस एट है, ठीक है। और इसीलिए हमारे पास एक्स की जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू क्या होंगी, माइनस माइनस छोड़ दो तो फाइव, फाइव बाय एट होगा, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स का, ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर वाई रखो, देखो डी वाई, डी वाई कितना हमारे पास, ये है माइनस टू, और फिर से डी कितना है हमारे पास माइनस एट है, ठीक है, इसीलिए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस चला जाएगा, टू वन ज़ा टू और टू फोर ज़ा एट होगा, यानी वाई की ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। और फिर आखिरी में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिए आप सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, क्या बोलेंगे आप, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस भी ध्यान में रखना, आपको पहले क्या करना होता है, सबसे पहले तो x की वैल्यू ध्यान में रखना। तो x की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 5 बाय 8, उसके बाद y की वैल्यू ये हो जाएगी 1 बाय 4। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा हमको लगता है कि थोड़ा सा कठिन है, कठिन वगैरह कुछ नहीं होता बच्चों, बस वो कैसा हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता। तो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन जो आप में से किसी बच्चे ने पूछा भी था, ठीक है, कि सर इसको कैसे सॉल्व करते थोड़ा सा बताइए, तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, बस आप इसको थोड़ा सा डर गए होंगे, डरने की बात नहीं, आप डायरेक्ट रखते तो भी चलता, बस एक यहाँ पे वाई का जो कोएफिशिएंट है 1/2 होता, और ये जो सी होता यानी सामने वाला वो भी 1/2 हो जाता, ठीक है, यहाँ पे -1/2 यहाँ पे 1/2, वैसा करते तो भी आंसर मिलता है, इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो भी आपको यहाँ पे क्या बन जाता है, आंसर मिलता है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके सॉल्व एग्जांपल में होते हैं, उसके बाद में आपके प्रॉब्लम सेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको क्या करना है, वहाँ पे सॉल्व करते रहना है, ताकि आपकी और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रामर रूल को पढ़ना होता है, उसके बाद एग्जाम्पल भी हमने देखे, उसके लिए हमने डिटर्मिनेंट देखा, वो भी हमारा क्लियर होता है। अब आपका टर्न है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और जो जो प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर से हमको आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, फिर यहाँ पर हम तो लेते हैं, यानी आपके डाउट्स वाउट्स पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, क्लियर होते हैं, और वो टॉपिक आपका बड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में, टिल देन बाय।